गर्मियों में कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली सी चिपचिपी सी हो जाती है, कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा डल सी और ड्राई सी हो जाती है। हर एक स्किन टाइप वालों को अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि धूप की वजह से आपकी स्किन को बहुत सारे डैमेज होते हैं। आपके चेहरे पे डलनेस दिखने लगती है, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके चेहरे पे दाने निकल सकते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके चेहरे पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स और अर्ली एजिंग साइंस की प्रॉब्लम भी धूप की वजह से, गर्मियों की वजह से आपको हो सकती है। साथ ही आपको ब्लेमिसी की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अनइवन स्किन टोन आपकी हो जाती है। ना जाने कितनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स गर्मियों की वजह से होती है। ऐसे में सभी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो गर्मियों में हम अपने चेहरे पे लगाएंगे तो हमें हमारी स्किन पे सूट भी करेगी, साथ ही हमारी स्किन को फायदा भी देगी और जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करेगी, उनको दूर भी करेगी। क्योंकि क्या होता है कि आपको ऑलरेडी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स या स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स सूट हो रहे होते हैं वो भी गर्मियों में सूट नहीं करते हैं, ऐसा अजीब सा सिचुएशन आपका हो जाता है। जैसे कि किसी को कॉफी अपने चेहरे पे सूट कर रही है लेकिन गर्मियों में कॉफी लगाने से उनके चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, उनकी स्किन ऑयली हो जाती है। जिनको कोकोनट ऑयल अपनी स्किन पे सूट करता है उनको भी गर्मियों में कोकोनट ऑयल सूट नहीं करने लगता है, या फिर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है वही मॉइस्चराइजर आपको स्किन प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है। ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि गर्मियों में गर्मी की वजह से आपकी स्किन टाइप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसीलिए जो प्रोडक्ट्स आपके स्किन पे सूट कर रहे थे वो भी गर्मियों में आपकी स्किन पे इतने अच्छे से सूट नहीं करते हैं। ऐसे में एक ही ऐसा ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी सूट करेगा, ड्राई स्किन है तो भी सूट करेगा, नॉर्मल स्किन है तो भी सूट करेगा, सेंसिटिव स्किन है तो भी सूट करेगा और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी सूट करता है। प्लस गर्मियों में तो हमारी स्किन के लिए किसी मैजिक की तरह काम करता है जो कि है फ्रेंड्स रोज वाटर। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रोज वाटर की एक इतनी सिंपल सी, क्विक सी, आसान सी लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी जो आसानी से आप डेली यूज कर सकते हो, रोज यूज कर सकते हो और आपको कोई भी एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट आपका नहीं लगेगा। बस एक बार ये वाली रेमेडी आपको बनाकर रेडी कर लेनी है, 2 मिनट के अंदर ये रेमेडी बनके रेडी हो जाएगी और बनाने के बाद आप इसे डेली यूज कर सकते हो गर्मियों में, जो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, साथ ही आपके चेहरे पे ताजगी लाएगा और एक नेचुरल वाला ग्लो प्लस ब्राइटनेस। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको बता देती हूँ कि आपको ये वाली रोज वाटर की रेमेडी स्पेशली गर्मियों के लिए किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से इसे अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जो भी नेचुरल वाली स्किन केयर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँ वो आप तक पहुँच पाए और आप वो देख कर उसका फायदा उठाकर अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन हासिल कर पाओ। सारी ही वीडियोस में इतनी नेचुरल और घर पे ही बनने वाली होम रेमेडीज होती है जो आसानी से आप अपने घर पे कर पाओगे और अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाओगे। तो जरूर से अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो ये गर्मियों के लिए स्पेशल रोज वाटर वाली होम रेमेडी को रेडी करने के लिए आपको बस 3 ही इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें से सबसे पहला इंग्रेडिएंट है राइस वाटर यानी कि चावल का पानी। अब आपको राइस वाटर किस तरीके से रेडी करना है वो बता देती हूँ। पहले तो आपको कच्चे चावल ले लेने हैं 2 से 3 चम्मच जितने, जो आप डेली वेयर में अपने घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो उन्हीं चावलों को ले लीजिए। कच्चे चावलों को लेकर उसे अच्छे से धो लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए ताकि उसके ऊपर कोई भी केमिकल इम्प्योरिटीज डस्ट न हो, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अब इन कच्चे चावलों को धोने के बाद एक बाउल के अंदर डाल दीजिए, उस बाउल के अंदर 1/2 कप जितना पानी डाल दीजिए। अब इन चावलों को पानी के अंदर भीगने दीजिए कम से कम 3 to 5 आवर्स तक।
चावलों को अच्छे से पानी के अंदर भीगने दीजिए। इसके बाद आप देखोगे तो पानी थोड़ा सा मिल्की व्हाइट सा हो जाएगा, मतलब कि आपका राइस वाटर रेडी है। अब इस राइस वाटर को चावल से छान कर अलग कर लीजिए। जो चावल निकले हैं उन्हें आप कुकिंग में यूज कर सकते हो, जिस तरह से यूज करते हो वैसे ही, बिल्कुल भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए राइस वाटर जो हमने छान कर अलग कर लिया है, और इस तरीके से एक प्लास्टिक बॉटल के अंदर आपको भर लेना है। बेस्ट रहेगा अगर आपको कोई स्प्रे बॉटल मिल जाए, रोज वाटर की कोई पुरानी खाली बॉटल होती है वो भी स्प्रे वाली होती है, या फिर इस तरह की स्प्रे बॉटल बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में या फिर कोई जनरल स्टोर पे मिल जाती है, बहुत ही सस्ती सी आती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और ये यूज करने के लिए, चेहरे पे स्प्रे करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बिल्कुल फटाफट से इससे आपके चेहरे पे स्प्रे हो जाता है और आपका फेस तुरंत ही फ्रेश हो जाता है। इसीलिए राइस वाटर को एक ऐसी प्लास्टिक बॉटल के अंदर ले लीजिए। अब इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं वो है हमारा आज का सुपर हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि है रोज वाटर। रोज वाटर आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप मार्केट वाला यूज कर सकते हो, या फिर बेटर रहेगा कि अगर आप घर पे रोज वाटर को रेडी करो। घर पे रोज वाटर को रेडी करना भी बहुत ही आसान होता है, बस आपको एक कप पानी लेना है, इसके अंदर थोड़ी सी रोज पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियां डालकर इस पानी को बॉईल कर लेना है 4 से 5 मिनट तक। फिर पानी को ठंडा होने दीजिए, पंखुड़ियों को पेटल्स को छान कर अलग कर लीजिए और आपका होम मेड रोज वाटर रेडी हो जाएगा। तो अब आपको इसके अंदर रोज वाटर डाल देनी है। आपको आधी बॉटल जितना राइस वाटर लेना है और आधी बॉटल जितना रोज वाटर लेना है, दोनों चीजों का आपको ले लेना है। राइस वाटर के अंदर विटामिन ए विटामिन ई होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। राइस वाटर एजिंग साइंस को दूर करता है, आपके चेहरे पे ग्लो लाता है, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, श्रिंक करता है, आपकी स्किन व्हाइटनिंग का काम करता है। साथ ही रोज वाटर जो होता है ये एक नेचुरल क्लींजर की तरह, नेचुरल टोनर की तरह काम करता है, आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। प्लस रोज वाटर भी आपकी स्किन व्हाइटनिंग का, स्किन ब्राइटनिंग का काम करेगा, आपके स्किन टोन को इवन बनाएगा। धूप की वजह से, गर्मियों की वजह से आपके स्किन पे जितनी भी डलनेस आ जाती है, आपके चेहरे पे जितनी भी पिगमेंटेशन ब्लेमिशी हो जाती है, उन सबको रोज वाटर राइस वाटर मिलकर ठीक करता है। साथ ही ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, सभी के स्किन पे सूट करता है। इसके अंदर तीसरा इंग्रेडिएंट हम मिलाने वाले हैं वो है विटामिन ई की जो कैप्सूल मिलती है, ये ग्रीन वाली, वो बहुत ही आसानी से आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ये हमारे चेहरे पे शाइनिंग लाने का काम करता है, हमारे स्किन को रिपेयर करता है। धूप की वजह से आपकी स्किन जितनी भी डैमेज होती है उनको ये रिपेयर करेगा। प्लस ये हमारे स्किन को नरिशमेंट देता है और बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो विटामिन ई की एक ही कैप्सूल हमें इसके अंदर मिला लेनी है। विटामिन ई की जो 30 कैप्सूल वाला पैक आता है वो आपको 32 से 33 रुपए में मिल जाता है, मतलब कि एक विटामिन ई आपको 3 रुपए के आसपास पड़ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। और फायदे इतने सारे मिलते हैं हमें विटामिन ई को अपने चेहरे पे इस्तेमाल करने से, तो आपको जरूर से अपनी स्किन केयर रूटीन में विटामिन ई की कैप्सूल को ऐड करना चाहिए। अब तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमारी मैजिकल रोज वाटर की होम रेमेडी बनके रेडी है। अब इसको आप फ्रीज के अंदर रख कर जब भी चाहो तब इस्तेमाल कर सकते हो। इसको फ्रीज के अंदर रख दीजिए, चिल्ड होने दीजिए, और फिर जब भी आपको अनफ्रेश अपना चेहरा लगे, डलनेस लगे, तब ये बॉटल फ्रीज में से निकालिए और फिर इस तरीके से अपने चेहरे पे स्प्रे कर लीजिए। और फिर इस तरीके से इसे अपने ही चेहरे पे अच्छे से ड्राई होने दीजिए। बहुत ही अच्छे से ये आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें वॉटरी है, पानी है, वाटर है, इसलिए ये सूखने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने चेहरे पे कुछ लगाया है। लेकिन ये आपके स्किन के डीप लेयर तक जाकर आपके स्किन के सारे स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इसे आप दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, 2 बार 3 बार रात को सोने से पहले, या फिर सुबह उठने के बाद, या फिर दोपहर में, जितनी बार चाहो उतनी बार स्प्रे कीजिए। आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स ये देता है, इस बात की गारंटी है।
इस रेमेडी को बनाकर आप फ्रिज के अंदर 2 दिन तक स्टोर कर सकती हो। 2 दिन बाद आप नया राइस वाटर बना लीजिए, उसके अंदर रोज वाटर विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स करके वापस से एक नई बॉटल भर लीजिए। 2 दिन के अंदर आपको इतनी एक बॉटल अच्छे से अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेनी है। इसको रेगुलर यूज करने से आपकी स्किन टेक्सचर में, स्किन कॉम्प्लेक्शन में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। गर्मियों की वजह से जितनी भी डलनेस है वो भी दूर हो जाएगी, प्लस गर्मियों में भी आपका चेहरा साइन करता रहेगा, साथ ही आपके चेहरे पे ब्राइटनेस भी बनी रहेगी और आपका चेहरा खिला खिला सा नजर आएगा, क्योंकि इससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो जाती है, एक ताजगी आपके चेहरे पे दिखती है। तो जरूर से इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, ऑल स्किन टाइप वालों को सूट करेगी, तो जरूर से ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, सी यू सून।